घनश्याम सीताराम, मैं जगदीश, BSSN तरोली मथुरा। विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 का सिलेबस है, प्रथम पाठ विद्या महत्तम का। ये श्लोक नंबर 2 है। हम एक श्लोक का भावार्थ में पहली वीडियो में दे चुके हैं। आपको ध्यान देना है कि जो संस्कृत भाषा है हमें इतने श्रेष्ठ क्यों बनाती है, क्योंकि इसमें विद्या के महत्व के एक एक कण को समझाया गया है। माता पिता के कर्तव्य को भी समझाया गया है कि माता पिता को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। ये माता पिता के कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने ये श्लोक लिखा है। माता शत्रु पिता वेरी येन वालो पठित्वा नासोवते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वेरी, माता शत्रु के समान है। देखो, ये बात ऐसा कहने पर तो हमें भी बुरा लगता है कि माता शत्रु के समान हो कैसे सकती है, लेकिन इसका भावार्थ आगे निकल कर आएगा। आप जब इस श्लोक का पूरा अर्थ समझ लेंगे तब समझेंगे कि यहाँ ये श्लोक वास्तव में अच्छा है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से लिया गया श्लोक है, ऐसा वैसा श्लोक नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांतवादी लोगों का आचरणों का ही अनुकरण है। माता शत्रु के समान है, माता शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान है। माता शत्रु के समान है, पिता वैरी और पिता वैरी के समान है। ये न माने जिसने बालो माने बालकों को या अपने बच्चों को पठित्वा पढ़ाया नहीं। प्रथम पंक्ति को हम दोबारा से दोहराते हैं, माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, क्योंकि जिसने अपने बच्चों को पठित्वा पढ़ाया नहीं, माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। ना सोवते सवामते हंस मध्ये वको यथा, ना सोवते सभा मध्ये, क्योंकि कारण है ना ही सोवा पाते हैं सभा मध्ये, सभा के मध्ये माने बीच में, बे सभा के बीच में उसी प्रकार सोवा नहीं पाते हैं। कौन? अनपढ़ बच्चे। हंस मध्ये वको यथा, जैसे हंस मध्य यानी हंसों के बीच में बगुला सोवा नहीं पाता, या हम एक दूसरे स्तर से कह सकते हैं ना सोवते सभावते, वो अनपढ़ बच्चे विद्वान जनों की सभा में, हम दूसरी प्रकार से इस प्रकार कह सकते हैं, वो अनपढ़ बच्चे विद्वान जनों की सभा के बीच में उसी प्रकार आदर नहीं पाते। हंस मध्ये वको यथा, जैसे हंसों की सभा के बीच में बको माने होता है बगुला, मध्य माने बीच में सोवा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा के बीच में बगुला सोवा नहीं पाता। संदर्भ हमने यहाँ पर विद्यार्थियों लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, आप इसमें से देख सकते हैं। हालांकि इसमें एक भी शब्दार्थ ऐसा नहीं है जो कठिन हो। मैं आशा करता हूं कि ये श्लोक आपकी विवेक में अच्छी तरह से आप प्रवेश कर गया होगा, क्योंकि ये श्लोक अपना अलग महत्व रखता है। आप इस श्लोक को याद करें, इसके शब्दार्थों को दोहराएं, इसके भावार्थ
भावार्थ को अच्छी तरह से समझ लें और ये कंठस्थ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के जो श्लोकों को किसी विद्वान की सभा में आप थोड़ा सा बोलेंगे तो आप वहाँ इतना सम्मान पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति ये कहेंगे कि व्यक्ति सिद्धांतवादी है, शिष्टाचार का प्रतिभागी है, आप निरंतर संस्कृत का अध्ययन करते रहें। इति सिद्धं, जय हिंद।